वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज सरबी। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो रीडर एंड उसुई रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। एंड आज के सेशन में मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी, टिप्स इन द सेंस कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप अपनी साइकिक एबिलिटी को और भी एनहांस कर सकते हैं, तो आप और भी डेवलप कर सकते हैं आपकी साइकिक एबिलिटीज को। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, ऑकल्टिज्म के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप्स ज्वाइन करनी है, आप डिस्क्रिप्शन पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर फ़ोन कॉल काउंसलिंग लेनी है एंड अगर आपको रेकी सेशंस को बुक करना है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। पूरे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। एंड ऐसे ही अगर वीडियोस आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देख सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान सकते हैं, एंजल्स के बारे में जान सकते हैं। मैं प्लान कर रही हूँ एंजल्स के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी, ताकि जिन लोगों को भी आइडिया नहीं है वो आइडिया को लेना स्टार्ट करेंगे एंड उससे उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। एंड प्लीज़ आपकी जो भी फीडबैक है कमेंट सेशन में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आप सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं एंड उससे मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जो वेज है जिससे हम हमारी साइकिक एबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। टोटल मैं 10 तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी साइकिक एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है वो हर दिन आपको करना है, ताकि आप अपने साइकिक एबिलिटी को एनहेंस करें और साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, जो भी आपको टेंशन आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई चीज़ कर पा रहे हो, आपकी हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए, जैसे हम जिम जाते हैं अपने फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज हमारी मेडिटेशन होती है। एंड मेडिटेशन से हमें बहुत से चीज़ों का आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो प्लीज़ डेली मेडिटेशन करने का ट्राई कीजिए। सेकंड है, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करो। अपने स्पिरिट गाइड्स कौन है उनके बारे में जानने की कोशिश करो, ढूंढने की कोशिश करो। एक्चुअली स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, कौन होते हैं? स्पिरिट गाइड्स वो होते हैं जो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपके ही फैमिली से जो अभी लेट हो चुके हैं, अभी नहीं हैं, वो स्पिरिट गाइड्स होते हैं आपके। तो आपको कैसे आपको पता चलेगा, उनके बारे में सोचो, उनके बारे में जानो। आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, या फिर बहुत से तरीके होते हैं, वो लोग आपको सिग्नल देते हैं, जहाँ पर आपको सपने में बोला जाता है ये चीज़ करो, ये चीज़ मत करो। ये सारे चीज़ें आपको अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर काम करना चाहिए। आपके स्पिरिट गाइड्स के कौन हैं उनके बारे में पता होना चाहिए यानी पता करो, ठीक है, पता करो। थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड है, प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक बहुत अच्छी टॉपिक है, अगर आप करोगे तो। ऐसे बोलते हैं सब लोग कि विजुअलाइजेशन नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन नहीं होता है, बट माय डियर ऐसा नहीं है कि विजुअलाइजेशन नहीं होता है। ये हमारी जो होती है ना, ये जो पावर है विजुअलाइजेशन की, जो पावर है वो हमारे अंदर से पावर है, वो बहुत पहले से पावर है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता है, सबको विजुअलाइजेशन आता है, बस हम उसके साथ ना नर्चर नहीं करते, उसके साथ काम नहीं करते हैं, एंड इसकी वजह से आप उस विजुअलाइजेशन को कर नहीं पाते हैं, ठीक है। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लियर वॉयंस के लिए, ठीक है। तो आप जब तक विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, डेली बेबी स्टेप्स लो, थोड़े थोड़े विजुअलाइजेशन करो, छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर विजुअलाइज करो, इससे आपका क्लियर वॉयंस जो है ना वो स्ट्रांग होता है। क्लियर वॉयंस वो होता है जब आपको ड्रीम्स में पता चलता है, आपकी जो थर्ड आई होती है, थर्ड आई से आप कोई भी चीज़ को ऐसे समझ जाते हो कि ये चीज़ होने वाला है, ये चीज़ हो रहा है। मुझे कैसा होता है, मुझे ड्रीम्स में पता चलता है। मैंने ऑलरेडी मेरे ड्रीम्स के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे ड्रीम्स के थ्रू पता चलता है, मेरे एंजल्स मुझे ड्रीम्स के थ्रू मुझे मैसेजेस देते हैं कि ये होने वाला है या ये हो चुका है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि अब तक बहुत से मेरे जो ड्रीम्स आए हैं वो रियल लाइफ में घटित हो चुका है। सो ड्रीम्स से आपको मैसेजेस मिलते हैं, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो विजुअलाइजेशन।
ठीक है, विजुलाइजेशन प्रैक्टिस करो। आप इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको ड्रीम्स भी आता है, वो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी जब भी आप एक बार विजुलाइजेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो। ये चीज़ें धीरे धीरे ऑकर होगा, ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और आज ही हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको डेली इसमें प्रैक्टिस करना होगा एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली टाइम निकालना है, तब जाके आप अपने साइकिक एबिलिटी के ऊपर काम कर पाएंगे। तो ये चीजें आप करो, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर के साथ कनेक्शन बनाओ। नेचर के साथ कनेक्शन बनाओगे तो आप ग्राउंडेड भी रहोगे, एंड नेचर जो है हमारी मदर अर्थ है, उनके साथ आप कनेक्शन बनाएंगे तो आप ग्राउंडेड रहोगे, एंड बहुत से चीजें ना नेचर ही आपके साथ करती है, ठीक है। तो इसीलिए नेचर में वॉक करो, वॉकिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है नेचर में। तो चाहिए तो आप बैर फुट वॉक करो, जैसे मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ, प्लीज बैर फुट वॉक करो, ओके। नेक्स्ट बुक्स रीड करो। साइकिक एबिलिटी जो डेवलपमेंट होता है वैसे बुक्स रीड करो। अगर आपने गूगल किया है साइकिक एबिलिटी को एनहेंस करने के लिए या बूस्टअप करने के लिए कौन से बुक है, तो आप चेक कर पाएंगे, एंड अमेजोन से आप बाय कीजिए या फिर जो भी बुक स्टॉल होते हैं वहाँ से जाके परचेस कीजिए। लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ नॉलेज ये तभी होगा जब आप बुक्स रीड करोगे। तो ये बुक रीड का एक हैबिट बना लो। अगर आपको बुक्स रीड नहीं पसंद है तो आप स्टार्टिंग में 150 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का, 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स का आप लोग रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसे बढ़ाइए, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, इस तरीके से जो है आप रीडिंग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन डेली ट्राई करो रीड करने का, कुछ तो नॉलेज लेने का ट्राई करो। तो बुक्स रीडिंग इज मस्ट अगर आप अपने साइकिक एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। एंड जब तक आप खुद नॉलेज गेन नहीं करोगे, आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे, आपकी नॉलेज नहीं ग्रो होगी, राइट। तो आपको डेली इसे करना होगा, डेली टाइम निकालो, 10-15 मिनट, 20 मिनट से कुछ नहीं होता है, हमारे पास उतना टाइम होता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से अच्छा आप बुक्स रीड करेंगे तो आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ेगी, एंड जब आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ेगी आपके लाइफ में कहाँ पर आप स्टक हैं उसका आंसर आपको मिलना स्टार्ट होगा कि मुझे, मैं ये रास्ते में हूँ, मुझे यहाँ जाना था। लाइफ में लोग गलत डिसीशंस ले लेते हैं, अब तक आप लोगों ने, मैंने भी गलत डिसीशंस लिए हैं, एंड बाद में हम रिग्रेट करते हैं, यार मुझे अगर पहले पता होता तो मैं शायद ये नहीं करती। तो वैसे ही जब आप साइकिक एबिलिटी में जाते हैं, आपके जो एंजल्स हैं, ठीक है, सबके अलग अलग एंजल्स अलॉट किए जाते हैं, गार्डियन एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जब आप उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप कर लोगे ये साइकिक एबिलिटीज के थ्रू, आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि आप आगे जाके रिग्रेट ना करें। कौन से चीज़ पे, अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि कौन से बिजनेस में मेरा प्रॉफिट है, कौन से बिजनेस में मेरा लॉस है, कौन से लोगों के साथ घूमना है, कौन से लोगों के साथ नहीं घूमना है, ये सारे चीज़ आपको पता चल जाएंगे। तो प्लीज़ बुक्स रीड करो, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये जो है आप मेडिटेशन करो, एंड मेडिटेशन की मेडिटेशन में जब आप मेडिटेशन के माइंडसेट में रहते हैं, मेडिटेशन के स्टेट में रहते हैं, उसी टाइम पे आपके स्पिरिट गाइड्स को कॉल आउट करो, ठीक है। देखिए आप एंजल्स जो है, स्पिरिट गाइड्स जो है, वो आपको फ्री विल में रखते हैं, तो जब तक आप उनका नाम कॉल आउट नहीं करोगे, एंजल्स को नहीं बुलाओगे, एंजल्स नहीं आएंगे। तो जब आप मेडिटेशन करते हो अपने स्पिरिट गाइड से मिलो, आंखें बंद करके जब आप मेडिटेट स्टेट में होते हो उस टाइम पे स्पिरिट गाइड्स को बुलाओ एंड पूछो कि आपका नाम क्या है, आप उनसे मिलो, आप उनसे बात करो, ठीक है। वहाँ से भी आपको मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, कभी आपको कुछ सुनाई देगा चीज़ें, कभी कुछ दिखाई देगा आपके थर्ड आई थ्रू, इसलिए मैंने विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस बताया, थर्ड आई के थ्रू आपको दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड आपकी साइकिक एबिलिटी को एनहेंस कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अब आपके फैमिली का जो ओल्ड फोटो होता है, ओल्ड फोटो को देखो, ओल्ड फोटो लो और देखो, उस फोटो में अच्छे से देखो, अच्छे से स्कैन करो उस फोटो को, एंड वो फोटो में आपको क्या समझ में आता है, आपको आपकी इंट्यूशंस क्या बोलती है, कि आपको फोटोज में देख के ऐसा लगेगा कि हाँ इनको ये पसंद था, ये ऐसे नेचर के होंगे, या इनको ये चीज़ पसंद थी, व्यवहार कैसा था उनका, ये सारी चीज़ें आपके एंसेस्टर्स के बारे में इंट्यूशन लगाओ।
इंट्यूशंस जब भी आप स्टार्ट करोगे, भले ही स्टार्टिंग में वो गलत होंगे, भले ही स्टार्टिंग में वो इम्परफेक्ट होंगे, तो ये मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा कि आप गलत कहाँ थे, आप सही कहाँ थे. तो ओल्ड फोटोग्राफ लो एंड आपके एंसेस्टर्स के बारे में खुद इंट्यूशन लगाओ कि ये ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे. उसके बाद अपने फैमिली मेम्बर से पूछो कि क्या ये ऐसे थे, आपको पता चलेगा. ठीक है, तो अपने इंट्यूशंस के साथ अपने इंट्यूशन को डेवलप करने की सोचो, अपने इंट्यूशन को किस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं. तो उसके लिए ये जो मेथड मैंने आपको बताया वो बेस्ट मेथड है. अगर आप अपने ओल्ड फैमिली फ़ोटो को देख के अगर आप ऐसे इंट्यूशंस लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है. आपको एक्सपीरियंस होगा, एक्साइटमेंट होगा, एंड यही चीज़ आप प्रैक्टिस करते करते इससे भी आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो साइकिक एबिलिटी है वो बढ़ेंगी. ठीक है, ग्रेजुअली बढ़ेंगी, तुरंत नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते बात हैं. करेंगे हम टेलीपैथी का. ठीक है, टेलीपैथी यानी कि माइंड से माइंड तक मैसेज पहुंचाना. हम अभी क्या करते हैं, फ़ोन आ गया है हमारा, फ़ोन से बात कर लेते हैं एंड हमारा जो मैसेज है हम पहुंचा देते हैं. लेकिन टेलीपैथी जो होता है, इसमें अपने माइंड में ही टेलीपैथी करो. अपने कोई भी फ्रेंड को बोलो फ़ोन करने के लिए, देखो उनका फ़ोन आता है या नहीं. कोई भी फ्रेंड को फ़ोन करो जो स्पिरिचुअलिटी में है, उनके साथ कनेक्ट करो, उनके फ्रेंड सर्कल में रहो ताकि आप भी डेवलप हो सके. सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है, जब आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे आपको भी एनर्जी आएगी, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा एंड आप चीज़ों को और भी अच्छे से देखेंगे, परफेक्ट किस तरीके से करना है उसे उसके बारे में सोचेंगे. तो टेलीपैथी करना स्टार्ट करो डेवलपमेंट के लिए. अपने फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है स्पिरिचुअल, जो लोग हैं उनके ग्रुप में ज्वाइन करना स्टार्ट करो, जिसमें आप और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे. एंड टेलीपैथी के साथ भी आप अपने फ्रेंड को, कोई भी फ्रेंड हो या आपके फैमिली मेम्बर हो, आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे कॉल करो. जैसे मेरा क्या होता है, मुझे मैं किसी को फ़ोन नहीं करती हूँ, मैं किसी को कॉल नहीं करती हूँ, मैं बस अपने माइंड में बोलती हूँ मुझे इनसे बात करना है, मुझे एक बार बात कर लेना चाहिए. होता क्या है, मुझे कॉल खुद आ जाता है. तो ये जब होता है, ये हम साइकिक एबिलिटी को अपना बढ़ा रहे हैं. ये चीज़ मेरा स्पेशली उनके साथ होता है, जब मैं पापा के बारे में सोचती हूँ पापा मुझे कॉल करते हैं, सेकंड मेरे दादाजी कॉल करते हैं एंड थर्ड मेरी नानी कॉल करती है. तो यही चीज़ है, जब आप चाहें तो और भी लोग हैं, आप चाहें तो आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यानी कि टेलीपैथी कर सकते हैं. उन टेलीपैथी में उनको मैसेज भेजो कि मुझे कॉल करो, मुझे आपसे बात करनी है, एंड वो कॉल आएगा ही. स्टार्टिंग में हो सकता है नहीं आए, स्टार्टिंग में हो सकता है आएंगे. अब वो सामने वाले के वाइब्रेशन के ऊपर भी है कि उनका माइंड कैसा है. ठीक है, देखो उनका माइंड कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस से ही हो जाएगा परफेक्ट. ठीक है, तो ये चीज़ आप करें. नेक्स्ट हमारा 9th पॉइंट जो है वो बता देती हूँ, हाई वाइब्रेशन वाले खाना खाइए. जो भी आप खाते हैं, देखो जो हम पानी पीते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो सारे एक एनर्जी है. ठीक है, वो एनर्जी आप कैसे एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा चीज़ है, वो भी बहुत बड़ी मैटर करता है. स्टार्ट करो हाई वाइब्रेशन वाले खाना. ठीक है, हाई वाइब्रेशन वाले खाने में क्या क्या आता है, हाई वाइब्रेशन वाले फूड्स में क्या क्या आते हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, स्प्राउट्स आते हैं, ये सारे चीज़ें को आप कंज्यूम करना स्टार्ट करो. आप जब ही खाना हेल्दी खाओगे आपकी एनर्जी भी हेल्दी रहेगी. ठीक है, तो स्टार्ट करो हेल्दी फूड खाने का, हाई वाइब्रेशनल फूड्स खाने का, एंड आप और भी चीज़ों को धीरे धीरे आपकी एनर्जी है वो बूस्टअप होना स्टार्ट होंगी एंड आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर काम करो एंड आप डेफिनेटली एक दिन साइकिक एबिलिटी को अपने एनहेंस कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे. ठीक है, सो आज की जो 10th पॉइंट है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है एंड इसी के बाद ये जो हमारी सेशन है ये ख़त्म होने वाली है, ड्रीम जर्नल रखना. जैसे कि इसके पहले की वीडियोज़ में मैं बताती हूँ ग्रैटिट्यूड जर्नल रखने के लिए, वैसे ड्रीम जर्नल भी होता है. ड्रीम जर्नल क्या होता है कि आप जो भी सपने देखते हैं, ख्यालों में नहीं, आप जब सोने के बाद जो ड्रीम्स हम देखते हैं, जो सपने हम देखते हैं, उस सपनों का एक डायरी बनाओ, एक जर्नल बनाओ. मैं जैसे मैं बताती हूँ मेरे सपने बहुत तक सच हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ मेरे ड्रीम्स की एक जर्नल बनाती हूँ. ठीक है, आपको भी सेम वही जर्नल्स बनाने हैं एंड उस जर्नल में मैसेजेस होंगे जो आपको डिकोड करने हैं.
ठीक है। तो जर्नल में जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, आपको वो फीलिंग आपको समझ में आनी चाहिए कि आपकी फीलिंग क्या है। आप आपकी जो फीलिंग है वो डर वाली फीलिंग है, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप टेंशन ले रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आपकी फीलिंग उस टाइम पे क्या है, ठीक है। ये चीज़ आप जब ड्रीम जर्नल को मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे तभी आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ करनी है, एक आपको ड्रीम जर्नल बनाना है एंड आपकी जो भी ड्रीम्स है उसे लिखना है। एंड हर एक जब आप लिख रहे हैं डिटेल्ड में सोचो कि आपकी फीलिंग उस टाइम क्या थी, आप क्या चीज़ें सोच रहे थे, आप क्या फील कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आपके फ्यूचर में यानी कि आपके डे टू डे लाइफ में और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं एंड कौन से चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं ड्रीम्स में तो आप सोचो आपके अंदर घबराहट कितनी है, उसकी वजह से आप ऐसे डरावने सपने देख रहे हैं, फियर के सपने देख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो ड्रीम्स आ रहे हैं ताकि आप अपने ऊपर काम कर सकें। तो ये चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए एंड आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट है आप कमेंट सेशन में ज़रूर शेयर कीजिए एंड अगर इसमें से आपको कुछ भी रिलेटेड लग रहा है जो मैंने अभी आपको बताया है प्लीज़ कमेंट सेशन में शेयर कीजिए। एंड अगर आपको मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करनी है डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।